ओम साईं राम। साईं बाबा ने अपने जीवन में एक खास धुनी, जिसे हम आज भी द्वारका माई में देख सकते हैं, बाबा ने उसको जलाए रखा। यह धुनी एक अखंड ज्योति की तरह थी जो कभी नहीं बुझती थी। बाबा रोजाना लकड़ी इकट्ठा करते और उसे धुनी में डालते, जिससे वह सदैव जलती रहे। जब लकड़ी पूरी तरह से जल जाती तो उसकी राख बचती, जिसे बाबा ऊदी कहते थे। यह ऊदी बहुत ही पवित्र मानी जाती है। बाबा अपने भक्तों को विदा करते समय इस ऊदी को प्रसाद के रूप में देते थे। भक्त इसे बड़े आदर के साथ ग्रहण करते और अपने घर ले जाते। इस ऊदी को लोग बहुत ही श्रद्धा से अपने घरों में रखते। उनका मानना है कि बाबा की ऊदी में बहुत शक्ति है और यह उनके दुख दर्द, बीमारियों और समस्याओं को दूर कर सकती है। बहुत से लोगों ने इस ऊदी के प्रभाव से अपनी बीमारियों और परेशानियों का निवारण पाया। आज भी शिरडी में साईं बाबा की धुनी से प्राप्त ऊदी को लोग बड़े ही आदर के साथ लेते हैं। यह ऊदी उनके लिए एक आशीर्वाद की तरह है। बाबा की ऊदी के चमत्कार के बारे में अनेक कहानियां और अनुभव सुनने को मिलते हैं, जैसे कि बीमारियों का ठीक होना, दुखों का दूर होना और जीवन में सुख शांति का आगमन। आइए आपको सुनाते हैं साईं बाबा की ऊदी का चमत्कार, जिसे सुनके आप भी साईं बाबा की महिमा का गुणगान करने लगेंगे। मालेगांव में रहने वाले एक प्रसिद्ध डॉक्टर के युवा भतीजे को हड्डी का एक गंभीर रोग हो गया। डॉक्टर साहब ने अपने भतीजे को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों से भी सलाह ली और अंत में ओन ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन इन सब प्रयासों का कोई भी फायदा नहीं हुआ। तब कुछ समझदार लोगों ने उसके माता पिता को सलाह दी कि वे दैवीय उपाय की ओर रुख करें, और उन्होंने श्री साईं बाबा का नाम लिया। भतीजे के माता पिता ने बिना समय गवाए शिरडी की यात्रा की और श्री साईं बाबा के चरणों में अपने बेटे को समर्पित कर दिया। उन्होंने बाबा से अपने बेटे के जीवन के लिए प्रार्थना की। बाबा ने मुस्कुराते हुए उस लड़के की ओर देखा और कहा कि जिसने भी द्वारका माई का सहारा लिया, उसे कभी दुख नहीं होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि ईश्वर में विश्वास रखें और उनकी धुनी की ऊदी का लगातार उपयोग करें और एक सप्ताह में लड़का ठीक हो जाएगा। लड़के के परिवार ने बाबा के निर्देशों का पालन किया और बाबा ने लड़के को अपने पास बैठाया और उसके रोगग्रस्त अंग पर प्यार से हाथ फेरा। बाबा ने कहा कि यह मस्जिद नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारावती है और यहां आने वाले सभी दुखों और पापों का नाश होना चाहिए। बाबा के आश्वासन के अनुसार लड़का सिर्फ 8 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गया और ऊदी प्रसाद प्राप्त करके उसका परिवार खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। लड़के को पूरी तरह से स्वस्थ देखकर उसके चाचा, जो खुद एक डॉक्टर थे, बहुत हैरान हुए और उन्होंने इसे एक चमत्कार माना। कुछ समय बाद डॉक्टर साहब को अपने व्यवसाय के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ा। उन्होंने शिरडी में रुककर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया, लेकिन मालेगांव से मनमाड़ के बीच कुछ मित्रों ने बाबा के बारे में गलत बातें बताकर उनका मन बदल दिया, इसलिए वे सीधे मुंबई चले गए। मुंबई में डॉक्टर साहब ने 3 रातों तक सपने में एक आवाज सुनी जो उनसे पूछ रही थी कि क्या अब भी उनका बाबा में विश्वास नहीं है। इस सपने के बाद डॉक्टर साहब ने शिरडी जाने का दृढ़ निश्चय किया। उस समय उनके एक रोगी की हालत बहुत गंभीर थी और उसका बुखार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर उनके रोगी का बुखार जल्दी ठीक हो जाए तो वे बिना किसी देरी के शिरडी जाएंगे। इसी सोच के साथ वे रोज की तरह रोगी को देखने गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जब उस दिन रोगी को बुखार नहीं आया। इससे डॉक्टर साहब को पूरा विश्वास हो गया कि श्री साईं बाबा कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक असाधारण शक्ति वाले संत हैं। उन्होंने तुरंत शिरडी पहुंचकर बाबा के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। श्री बाबा ने उन्हें और भी कई चमत्कार दिखाए, जिससे यह साबित हो गया कि द्वारका माई की ऊदी में कितनी अद्भुत शक्ति है। डॉक्टर साहब फिर बाबा की सेवा में लग गए। कई दिनों तक शिरडी में रहे और ऊदी प्रसाद लेकर अपने गांव वापस आ गए। जब वे मालेगांव पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उन्हें बीजापुर में एक बड़े पद पर नियुक्त किया गया है। उनके भतीजे का बीमार होना एक बहाना बन गया और डॉक्टर साहब को एक महान संत के साथ रहने का अनमोल मौका मिला। यह उनके पिछले जन्म के पुण्यों का फल था।
साईं बाबा की उदी की ये कहानियां और अनुभव उनके भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। ये कहानियां उन्हें बाबा के प्रति और अधिक श्रद्धा और विश्वास दिलाती हैं। इसलिए बाबा की उदी को आज भी लोग बहुत सम्मान और आदर के साथ देखते हैं। ये उनके भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है जो उन्हें बाबा के आशीर्वाद की याद दिलाती है। साईं भक्तों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में ओम साईं राम लिख के बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगवाएं। हम साईं बाबा के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी कहानियां आपके समक्ष लाते रहेंगे। ओम साईं राम।